जी तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक है वेयरफिट की तरफ से आने वाली P67 Max, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि ये वाकई काम की चीज है या फिर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। इस बात का जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा है वो NFC की सपोर्ट है और साथ लाइव लोकेशन शेयरिंग है। NFC की सपोर्ट दोस्तों पाकिस्तान में 50,000 तक के मोबाइल में भी नहीं आती और वेयरफिट वाले हमें NFC की सपोर्ट दे रहे एक वॉच में। तो चले बिना देर किए, बिना आप लोगों को इंतजार किए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये बॉक्स है दोस्तों, बॉक्स के ऊपर सबसे पहले NFC की सपोर्ट मेंशन किया गया कि उनका मेन फीचर है इस वॉच का और वॉइस असिस्टेंट है जो कि आजकल सब वॉचेस ही दे रही हैं, साथ ही हार्ट रेट डिटेक्शन है जो कि हर वॉच ही दे रही है और साथ में लाइक करने का कहा है तो हम लाइक। और इस बॉक्स के ऊपर हमें यहाँ पर अली पे की ऑप्शन मिल रही है, यानी कि NFC सपोर्ट है तो जारी बात है आप अली पे, गूगल पे ये सारा कुछ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर सबके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, वॉइस असिस्टेंस है, हार्ट रेट डिटेक्शन है, NFC है, टाइम एडजस्टमेंट है, एक्सरसाइज मोड्स है, लाइव लोकेशन शेयरिंग है, ये भी एक बहुत ही एक्साइटिंग और अच्छा फीचर है। एंड देन खुल जा सिम खुल जा भाई। ओके, ये हमारे पास आ गया है एक और बॉक्स, यहाँ पर इसको हम हटाएंगे तो ये हमारे पास आ गई है वॉच। ये डेल है जो कि सबसे मेन चीज है, मेन फीचर है। इसको मैं साइड पे रखता हूं ताकि इसकी जरा हम अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। पहले मैं देखूं मुझे बॉक्स में क्या क्या मिल रहा है। एक स्ट्रैप मिल गया है ब्लैक कलर का, क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, इस स्ट्रैप की सिलिकॉन स्ट्रैप है। ओके, इसको बॉक्स को ऑन करते हैं दोस्तों। एक वायरलेस चार्जर मिल गया है। ओके, एंड दिस वन इज एक और स्ट्रैप मिल गया हमारे, रबर स्ट्रैप है। एक मैनुअल गाइड मिल गई है, इस गाइड में क्या क्या है, फर्स्ट पेज पर इसकी पिक्चर्स हैं, फिर से यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है किस तरह आप सेटअप कर सकते हैं, क्या बटन्स हैं इसमें, किस तरह मैन आपने ओपन करना है, किस तरह सेटिंग करनी है, किस तरह ऐप कनेक्ट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है, चाइनीज और इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसे हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम तो अपनी किताब भी नहीं पढ़ते। तो ये पढ़ने वाली चीज, डिस्प्ले क्वालिटी चेक करते हैं इसे ऑन करके। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास डिस्प्ले आ गया है, TFT डिस्प्ले है। कुछ वॉच फेसेस हैं आप लोगों को दिखा दूं, इंटरेस्टिंग और अच्छे वॉच फेसेस हैं, मोस्टली एनिमेशन वाले वॉच फेसेस हैं, स्टिल वॉच फेसेस नहीं है कि एक जगह रुके हुए, एनिमेटेड वॉच फेसेस हैं। ओके दैट्स नाइस। ओके, इसका अब चेक करते हैं मेन्यू। दोस्तों टच की बात करूं तो टच इसका स्मूथ है, जितनी हाई क्वालिटी की वॉचेस मैंने टेस्ट कर ली है उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। इसके मुकाबले में अगर मैं बात कहूं डेनी और जीरो, तो उनका डिस्प्ले सेम ऐसा ही है जैसा इस वॉच का डिस्प्ले है, लेकिन इसकी जो प्राइस है उनसे काफी कम है तो मैं इसको उनसे ज्यादा बेहतर कहूंगा। अब बात कर लेते हैं एक वॉच जिसकी मैंने रिसेंटली अनबॉक्सिंग की थी, हिनोटिको T94। उसका डिस्प्ले इससे कहीं ज्यादा अच्छा था, मुझे स्मूथनेस उसकी ज्यादा नजर आई थी। अब इस पर मैं फिंगर स्क्रॉल कर रहा हूं तो मेरी फिंगर थोड़ी सी हार्ड हार्ड फील हो रही है, लेकिन टच स्मूथली वर्क कर रहा है। ओके दोस्तों, इसमें मैंने गेमिंग ढूंढने की कोशिश की है, गेमिंग का ऑप्शन मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया अभी तक, तो इट्स मीन के गेमिंग इसमें नहीं होगी। मोबाइल से खेल सकते हैं, आई थिंक ऐप में हो सकती है, तो हम ऐसे करते हैं कि अब इसका ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐप से कनेक्ट करते हैं, फिर आप लोगों को इसके फर्दर फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ओके दोस्तों, फर्स्ट ड्रॉबैक जो इसका मैंने अभी फाइंड किया है वो ये है कि इसकी ऐप जो है वो प्रॉपरली पाकिस्तान में वर्क नहीं कर रही। वेयरफिट प्रो के नाम से ऐप है जो कि इस बॉक्स पर जो हमारे पास बना हुआ था QR कोड, इसको स्कैन करने पर मैंने इंस्टॉल की है और उस ऐप से ये वॉच कनेक्ट होती है और फौरन ही डिसकनेक्ट हो जाती है, यानी कि हम इस वॉच को उस ऐप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे और ये इसका एक ड्रॉबैक है। मैंने इनकी वेबसाइट पर जाकर रिव्यूज देखे हैं इनके, तो जो आउट कंट्रीज हैं यानी कि अमेरिकन, चाइनीज और अदर जितने भी कंट्रीज हैं वहां ये प्रॉपरली ऐप वर्क कर रही है। वहां पर इश्यू आता है कि ऐप में एड्स आते हैं, तो उसका इतना इशू नहीं है लेकिन ऐप वर्क कर रही है प्रॉपर। लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है वेयरफिट इंस्टॉल की है, मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही, कनेक्ट होती है फौरन ही डिसकनेक्ट हो जाती है। मोबाइल वाइज का भी इशू नहीं है क्योंकि मैंने 2 से 3 मोबाइल पर, डिफरेंट मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करके कनेक्ट करने की कोशिश की है, ऐप इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वॉच भी शो हो जाती है ऐप पर, लेकिन जैसे हम कनेक्ट करें कनेक्ट हो गए फौरन ही डिसकनेक्ट हो जाती है, यानी कि ना ही हम कुछ कस्टमाइजेशन कर पा रहे हैं। तो मैं इस वॉच का भाई क्या रिव्यू करूं, मैं इस वॉच का क्या बताऊं लोगों को, मैं यही बताऊंगा कि भाई ये वॉच तो फोर्स देख लो, ये आपने नहीं बाय करनी मार्केट से, बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। ठीक है, अगर किसी की ऐप प्रॉपर्ली वर्क कर रही है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, जरा देखते हैं कि मेरे साथ ये इशू आ रहे हैं और किसी के साथ भी इशू आ रहा है। वेयरफिट की ऐप जो
है वो एक ही ऐप है वेयरफिट प्रो के नाम से। अगर किसी के मोबाइल में वर्क कर रही है प्रॉपरली तो मुझे प्लीज लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कैसे प्रॉपरली वर्क कर रही है, आपकी वॉच कनेक्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही। मेरी तो नहीं हो पाई, अगर मैंने अपने पैसे ज़ाया किए हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। वेयरफिट की कोई भी वॉच आप लोगों ने तब तक बाय नहीं करनी जब तक ये नहीं सुन लेते कि उनका ऐप जो है वो प्रॉपरली पाकिस्तान में वर्क कर रहा है और वॉचेज जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं ऐप के साथ। आप रब्बो से रखे रखिएगा, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।